गुड मॉर्निंग गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को? भाई बता दीजिए फटाफट। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फटाफट बात करते हैं प्रेसिडेंट, आज हम प्रेसिडेंट के चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। अक्सर ना आप लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है, कैसे हम मतों को फिर बांटते हैं, क्या पूरा प्रोसेस होता है, तो उस पर बात करेंगे। मेरे हिसाब से कल तक की क्लास में आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बताओगे तो हो नहीं, है ना, शैतान बच्चे हो आप। अरे भाई, एक तो ठीक है, तब आ ही रही होगी आवाज, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आवाज आ ही रही होगी, है ना। चलो, स्वागत है आप सबका ललिता दहिया एकेडमी पे। फटाफट जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल ललिता दहिया एकेडमी से। टेलीग्राम चैनल का नाम है ललिता दहिया एकेडमी, यहाँ पे आप जुड़ जाइए। और इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको मेरी सारी क्लासेस के लिंक, टाइमिंग, नोटिफिकेशन, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम और मेरे फेसबुक पेज ललिता दहिया एकेडमी से भी जुड़ सकते हैं। फटाफट अपने फोन में इंस्टॉल कर लीजिए ललिता दहिया एकेडमी ऐप को। आपको क्या करना है, अपने एंड्रॉयड फोन के प्ले स्टोर में जाना है, ललिता दहिया एकेडमी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसको साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपके तीन बैच चल रहे हैं, पॉलिटी विद करंट अफेयर्स फॉर आईएएस मेंस का जो बैच है पॉलिटी का, वो मात्र 2100 रुपए में है। आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, पूरा कंप्लीट पॉलिटी आपको मिल जाएगा मात्र 2100 रुपए में, बहुत ही शानदार कंटेंट और बहुत ही शानदार समझ के साथ। इसके साथ ही आपको 7 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है गवर्नेंस का बैच। याद रखिएगा, गवर्नेंस बहुत ही मेजर टॉपिक, मेजर पोर्शन है सेकेंड पेपर का, आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते। और ये गवर्नेंस है मात्र 1000 रुपए में, आपको जो है 1000 में आपको पूरा गवर्नेंस पढ़ने को मिलेगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप जुड़ सकते हैं, इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशंस का बैच चल रहा है 23, 24, 25 तक के बच्चों के लिए, मेंस का जो बैच है वो चल रहा है मात्र 1625 रुपए में। तो आप इस बैच से भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसकी भी आप लाइव और जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो देख सकते हैं, लेकिन जो हमारा लाइव बैच चलेगा, जो हमारा नया बैच होगा, वो गवर्नेंस का है। आप इसमें जुड़ सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। हम बात कर रहे थे प्रेसिडेंट की, जिसमें मैंने कल बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस की थी कि किस तरीके से राष्ट्र प्रमुख पद है, गणतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचित होता है, तो संसदीय प्रणाली में दो जो बेसिकली शक्तियां होती हैं, दो प्रमुख पद होते हैं, एक वास्तविक होता है, एक नाम मात्र का होता है। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को आर्टिकल 52 का जिक्र किया, आर्टिकल 53 का जिक्र किया, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से भिन्न है, मैंने ये भी आप लोगों को कल बताने का प्रयास किया था। क्या क्या अर्हताएं होनी चाहिए, अर्हताओं में हम जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम हॉल में, जहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, उसको मैंने बहुत ही विशिष्ट तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था, ताकि आप एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा ये सारी चीजें, इनकी पदावधि, इनका निष्कासन, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बता दो, भाई मैं निर्वाचक मंडल से फिर से शुरू करने वाली हूँ, इलेक्टोरल जो मंडल है यहां से मैं फिर से शुरू करने वाली हूँ, मुझे ये बता दीजिए। किसी भी बच्चे को कल की, अच्छा कल बीपीएससी था ना, अच्छा रहा बीपीएससी अच्छा रहा आप लोगों का, बढ़िया है। बात करते हैं निर्वाचक मंडल की, ध्यान से सुनते जाना। देखो, पहली बात
बात तो निर्वाचक मंडल में मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ और आपके दिमाग में भी छप गया होगा कि तीन चीजें याद रखनी है, संसद के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। संविधान में ये प्रावधान किया गया था कि भाई विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व ना समान रूप से हो। अब जैसे मान लीजिए यदि हम इक्वल एक प्रतिनिधित्व दे देते कि भाई सबका एक समान मत है, तो फिर तो जनसंख्या का कोई रोल ही नहीं रहता। सिक्किम के एमएलए का भी सेम मत मूल्य हो जाता और यूपी के एमएलए का भी सेम मत मूल्य हो जाता, तो ये तो कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व उतना नहीं हो पाता क्योंकि सिक्किम की जनसंख्या कम है, यूपी की जनसंख्या ज्यादा है, महाराष्ट्र की जनसंख्या ज्यादा है, वेस्ट बंगाल की जनसंख्या ज्यादा है। तो भाई ज्यादा जनसंख्या तो ज्यादा मत मूल्य तो होना चाहिए और इक्वालिटी एक समता होनी चाहिए, प्रतिनिधित्व समान रूप से होना चाहिए। इसलिए एक फॉर्मूला तय किया गया और उस फॉर्मूले के आधार पर मत मूल्य निकलता है। ये फॉर्मूला मैंने कल भी बता दिया था, आज फिर बता रही हूं, सुन लो एक बार ध्यान से। जब हम एक एमएलए का मत मूल्य निकालते हैं तो हम उस राज्य की जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य, जैसे मैंने कल यूपी का एग्जाम्पल दिया था, तो 403 गुना 1/1000। इस फॉर्मूले से जो भी मान लीजिए इसमें वैल्यू आया 100, यानी एक एमएलए का वैल्यू कितना हो गया, 100 हो गया, तो यूपी के 403 एमएलए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 403 गुना 100 कर देंगे तो यूपी के टोटल एमएलए का मूल्य निकल जाएगा। इतना मैथ तो समझ में आता ही होगा। जैसे मान लीजिए हम यदि हरियाणा के एमएलए का मूल्य निकाले तो हरियाणा की टोटल जनसंख्या, हरियाणा के निर्वाचित एमएलए गुना 1/1000, तो एक एमएलए का मूल्य निकल जाएगा। उस एक एमएलए के मूल्य को यदि 90 से हम गुना कर देंगे तो टोटल एमएलए का मूल्य निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से प्रत्येक राज्य के एमएलए का मूल्य निकाल लिया जाता है, मत मूल्य निकाल लिया जाता है। बता दो भाई यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? मतलब देखो अब ना ये मत रटने लगना, ठीक है टिकेश्वर बच्चे, अच्छी बात है। जैसे बोल रहे हैं मैम छत्तीसगढ़ के विधायक का मूल्य 129 है, कभी नहीं पूछता है, ठीक है ना ही पूछेगा, कितना का रटोगे। बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हम मत मूल्य निकालते कैसे हैं। एक विधायक का निकल जाएगा तो फिर टोटल विधायक को गुणा कर देंगे तो टोटल यूपी का मत मूल्य निकल जाएगा, हरियाणा का मत मूल्य निकल जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। अब एमएलए का मत मूल्य हमने निकाल दिया, अब बात करते हैं संसद के। ध्यान रखिएगा संसद के प्रत्येक सदस्य के निर्वाचित सदस्यों, सदन, संसद के प्रत्येक सदन के निर्वाचित सदस्यों की मत संख्या सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य को संसद के कुल सदस्यों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। मतलब लैंग्वेज में मत फंसो, जब हमें एक सांसद का मत मूल्य निकालना है, एमपी का मत मूल्य निकालना है, ध्यान से देखिएगा, यहां से एक 2017-18 में क्वेश्चन है, मैं अभी बताऊंगी कैसे कंफ्यूज हुए थे बच्चे। एक संसद सदस्य के मत का मूल्य निकालेंगे तो सभी राज्यों के विधायकों का, जितने भी सभी राज्यों के एमएलएज का मत मूल्य जोड़ देंगे बट्टे निर्वाचित सदस्यों की संख्या। जैसे आप देखोगे कि लोकसभा में कितने हैं, तो लोकसभा में वर्तमान में देख लेना एक बार, आई थिंक 543 के आसपास है। राज्यसभा में कितने हैं, तो राज्यसभा में 233 के आसपास है, तो आपके लगभग ये कितना हो गया, 3, 3, 6, 4, 3, 7 और 5, 2, 7, 776 के आसपास है अभी हमारे पास निर्वाचित एमपी। तो 776 को हम सभी एमएलए के मत मूल्य से जब भाग दे देंगे, मान लीजिए ये सभी का मत मूल्य है एक्स, यहाँ पे 776, बस यहां से क्या निकल जाएगा, एमपी का मत मूल्य निकल जाएगा। बात खत्म, एक एमपी का मत मूल्य निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे सबसे पहले कौन ये बताएगा कि
जब हम ये एमएलए का मत मूल्य निकाल रहे थे तो हम उस राज्य की जनसंख्या से भाग दे रहे थे टोटल निर्वाचित एमएलए को। तो कौन महाशय मुझे बताएगा कि ये कौन सी जनसंख्या से हम भाग दे रहे थे? 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है, 2000 के अनुसार जो जनसंख्या है, 2011 के अनुसार जो जनसंख्या है, 2021 के अनुसार जो जनसंख्या, जो भी है बताओ कौन सी। वेरी गुड दिव्या, अंजलि इस बात को याद रखिएगा, 1971 की जनगणना के अनुसार जो जनसंख्या है उस जनसंख्या को ही रखा जाता है एमएलए का मत मूल्य निकालने के लिए। सबको पता है भाई, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, इतना समझ में आ गया। अब भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, तीनों चारों चीजों का मतलब पता होना चाहिए। आपने एमएलए का मत मूल्य निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, एमएलए के मत मूल्य के आधार पे एमपी का मत मूल्य निकाल दिया, टोटल एमएलए का मत मूल्य बटे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 776 के आसपास, मैंने जैसा कि आपको बताया। तो जब इसका भाग भाग देंगे तो एमपी का मत मूल्य निकल जाएगा। क्वेश्चन बना था पता है क्या, आईएएस की परीक्षा में क्वेश्चन बना था, एमएलए का मत मूल्य तो उसने ठीक बोल रखा था कि भाई इस तरीके से निकलता है। सेकंड ऑप्शन पता है क्या था, मुझे ये बताना मैं सही बोल रही हूं कि गलत। सेकंड ऑप्शन आईएएस की परीक्षा में दिया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य राज्यसभा के सदस्य से ज्यादा होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य का मत मूल्य राज्यसभा के सदस्य से ज्यादा होता है, ये कथन सही है कि गलत है? वेरी गुड अंजलि, दिव्या, दंशिका, कुलदीप, सलमान, बहुत बढ़िया। क्यों गलत है कोई बताएगा, क्यों गलत है? इसलिए गलत है क्योंकि हम अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा का मत मूल्य तो निकालते ही नहीं है, मेरी बात समझे, तभी तो अलग अलग आता। जब हम लोकसभा का अलग मत मूल्य निकालते, राज्यसभा का अलग मत मूल्य निकालते तो हो सकता है थोड़ा बहुत डिफरेंट आता है ना, लेकिन हम तो अलग अलग निकालते ही नहीं है। रूल ही क्या है, टोटल संसद के सदस्य का मत मूल्य निकलता है, यानी एक एमपी का मत मूल्य निकलता है। ये एमपी लोकसभा का भी हो सकता है और ये एमपी राज्यसभा का भी हो सकता है, तो इसलिए कथन गलत था। बहुत बढ़िया है ना, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इन तीन शब्दों की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान, ये क्या होते हैं भाई? सबसे पहला जो शब्द है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का अर्थ होता है दोस्तों, जैसे जब आप एमपी का चुनाव देखते हैं या एमएलए का चुनाव देखते हैं तो वो चुनाव होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम पे। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का मतलब होता है पहले आओ पहले पाओ, यानी मान लीजिए, ध्यान से सुनना इन चीजों को, मान लीजिए यदि चार व्यक्ति खड़े हैं चुनाव में, इन चार व्यक्तियों में से यदि एक व्यक्ति को इन तीनों से ज्यादा मत प्राप्त हो गए, भले ही इसे 15% मत प्राप्त हुए हैं, तो ये विजयी हो जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में पर्टिकुलरली लिख दिया गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि जीतने के लिए आपको दूसरे से ज्यादा मत होने ही नहीं चाहिए, बल्कि आप यदि 50% प्लस 1 मत प्राप्त करेंगे तभी आप विजयी घोषित होंगे। जब आप 50% प्लस 1 मत प्राप्त करेंगे तो ही आप विजयी घोषित होंगे, इसे ही बोलते हैं आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। 50% से एक मत ज्यादा आपको प्राप्त करना होगा जीतने के लिए। दूसरा शब्द होता है दोस्तों एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब होता है कि वरीयता दी जाती है कि भाई मैं इस राष्ट्रपति को एक नंबर पे पसंद करता हूँ, दो नंबर पे पसंद करता हूँ, तीन नंबर पे पसंद करता हूँ, जितने लोग खड़े होंगे उसके आधार पे। तो एकल संक्रमणीय और सीक्रेट बैलेट, गुप्त मतदान का अर्थ होता है
कि मैं किसको मतदान कर रहा हूं या कर रही हूं ये किसी को नहीं बताऊंगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं होती और ना ही कोई बाध्यता होती है कि आप बताओ आपने किसको मत दिया है। नाम से स्पष्ट है, गुप्त मतदान। तो यदि आपसे पूछे एकल संक्रमणीय मत क्या है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है, गुप्त मतदान क्या है, तीनों शब्द समझ में आए, अब बात करते हैं किसकी, यहां पे थोड़ा डिटेल से लिख भी रखा है, बिल्कुल क्लियर है। अब देख ये फॉर्मूला है भाई, ये देख लेना, ये इंडिया टुडे का मैंने कहीं से उठा के लिख दिया था। जैसे एक एमएलए का मत मूल्य निकालेंगे, ये बता चुकी हूं मैं, और एक एमपी का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अब देखिए राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय और गुप्त मतदान द्वारा होता है, जो सफल उम्मीदवार की पूर्ण बहुमत से जीत सुनिश्चित करता है, यानी आपको 50%+1 जो है वोट है वो प्राप्त करने होंगे, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है। ये नहीं है कि एमएलए एमपी की तरह आपने दूसरे से यदि 15 वोट भी ज्यादा ले लिए तो आप विजयी घोषित हो जाओगे, ना, आपको यदि विजयी घोषित होना है तो आपको एक निश्चित कोटा प्राप्त करना पड़ेगा, और ये कोटा कुल वैध मतों की संख्या में निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़कर, कोई जरूरत नहीं है, वही बात है, ये 50%+1 कोटा आपको प्राप्त करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं, देखो चुनाव कैसे होता है, इस पे फोकस करना, आपको अक्सर यहीं पे कंफ्यूजन होता है। देखो जैसे मान लो निर्वाचक मंडल में बहुत सारे लोग शामिल हो गए, सभी राज्यों के निर्वाचित एमएलए शामिल हो गए, है ना, और सारे निर्वाचित एमपी शामिल हो गए, दिल्ली पौंडीचेरी के निर्वाचित एमएलए शामिल हो गए, तो अपना इन सबको क्या दिया जाएगा, एक बैलेट पेपर दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, बैलेट पेपर। जैसे मान लो मैं एक एमपी हूं, मेरे को एक बैलेट पत्र दे दिया, आप में से जैसे देख लो भाई एक नीतू सिंह है, इनको एक बैलेट पत्र दे दिया, मतलब एमपी है मान लीजिए, ये भी ऋतिक भी मान लीजिए राज्यसभा सदस्य है, निर्वाचित है, इनको भी एक बैलेट पत्र दे दिया, ऐसे ही रामजपाल को एक बैलेट पत्र दे दिया, ऐसे ही राखी गुप्ता को एक बैलेट पत्र दे दिया, तो इस तरीके से हमारे पास बैलेट पत्र आ गए। यहां तक समझ में आया, कुछ है नहीं। अब मैं क्या करूंगी, मान लीजिए तीन व्यक्ति खड़े हैं राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, तीन व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति का नाम है क्या नाम रखें भाई, मतलब कुछ भी नाम रख लेते हैं, राष्ट्रपति जी का चुनाव है तो सम्मानित नाम रखेंगे हम, मान लीजिए मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी, ठीक है, हमने ये नाम रख लिए। अब हम क्या करें, कौन बोल रहा है, एसपी कह रहा है हमको नहीं मिला, बच्चे एक बार समझ लो। अब मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने किया ए को मैंने पहली वरीयता दे दी, बी को मैंने तीसरी वरीयता दे दी, सी को मैंने दूसरी वरीयता दे दी, इसी तरीके से इसने ए को पहली दे दी, बी को दूसरी दे दी और सी को तीसरी दे दी, इसने ए को तीसरी दे दी, इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने बैलेट पेपर पे तीनों व्यक्तियों के आगे क्रम लिख देगा कि भाई मेरी मेरी पहली पसंद ये है, मेरी दूसरी पसंद ये है, मेरी तीसरी पसंद ये है, ठीक है भाई, अब सब काम खत्म हो गया, इन तीनों को तीन पेटियों में डाल दिया गया, ये है मिस्टर ए की पेटी, ये है मिस्टर बी की पेटी और ये है मिस्टर सी की पेटी, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब हमें पहली वरीयता को देखना है बस, बाकी दूसरी और तीसरी वरीयता से पहले चरण में हमें दूसरी और तीसरी वरीयता से कोई मतलब नहीं है, किसको दूसरी कितनी बार मिली, तीसरी कितनी, हमको देखनी है पहली वरीयता। मान लीजिए इस ए को पहली वरीयता इतनी मिली, ठीक, इस बी को पहली वरीयता इतनी मिली, ये लाइन देख रहे हो, और सी को पहली वरीयता इतनी मिल गई, लेकिन अब यहां पे दो कंडीशन आएंगी, अगर इसी पहली गणना में ही, ध्यान से सुनना ये बहुत टेक्निकल है, बहुत टेक्निकल है, एक बार समझ गए तो कुछ भी नहीं है, अगर इसी पहली गणना में ही एक व्यक्ति को 50%+1 मत प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विजयी घोषित हो जाएगा। पहली पसंद के अनुसार यदि एक व्यक्ति को 50%+1 मत प्राप्त हो जाते हैं तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। मान लीजिए उसको किसी भी व्यक्ति को टोटल ये कोटा प्राप्त नहीं हुआ, अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि भाई
सबसे कम फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिली है? तो जी बी को मिली है, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस मिली है जी बी को, काट दो इनको। अब इनको हम चुनाव से बाहर कर देंगे, कर दिया बाहर। अब हम इनका एक एक मत पत्र खोलेंगे, एक एक जो बैलेट पेपर खोलेंगे, जितने लोगों ने मतदान किया है इनको, तो क्या करेंगे, एक एक बैलेट पेपर को देखेंगे जी। निकालो भाई, रामजपाल का बैलेट पेपर निकालो भाई। रामजपाल ने पहली वरीयता तो ऑब्वियसली इनको दी होगी, तभी तो इसके बैलेट पेपर में पहली वरीयता थी। एनीवे जो भी है, अब रामजपाल ने दूसरी वरीयता किसको दे रखी है जी? रामजपाल ने दूसरी वरीयता दे रखी है जी दो, ठीक है जी, ये मत डाल दो दो में, ए में, ठीक है जी, ये मत आ गया। अब हम देखेंगे कि भाई राखी गुप्ता ने सेकंड वरीयता किसको दे रखी है, फिर सिर्फ सेकंड देखना है, थर्ड नहीं देखना, जी सेकंड वरीयता दे रखी है सी को, यानी ये मत आ गया इसमें। तो सेकंड वरीयता किस किस को किसने दे रखी है, वो वाला बैलेट पेपर फिर हम उस पेटी में डालते हुए चलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? थोड़ा सा टेक्निकल होता है, ध्यान रखना है ना। और फिर इस आधार पे जब सेकंड वरीयता को हम डालते हुए चलेंगे, तो जिससे दोनों में से 50% प्लस वन मत प्राप्त हो जाएंगे, वो विजयी घोषित हो जाएगा। समझ में आ गया? बता दो फटाफट। पहली बारी में जब हमने इन पेटियों में मत डाले ना, तो हमने केवल पहली वरीयता के आधार पे डाले कि मान लो भाई 100 लोगों ने ए को वरीयता पहले नंबर पे दी है, 200 ने बी को वरीयता दी है, 300 ने सी को वरीयता दी है पहले नंबर पे। अब इसमें से हम जिसकी सबसे कम है उसको निकाल देंगे, और उसका जो सेकंड वरीयता है उन अगले दो लोगों में बांट देंगे, और जिसको 50% प्लस वन प्राप्त हो जाएगा वो महामहिम बन जाएंगे। ध्यान रख लीजिएगा, ये थोड़ा टेक्निकल होता है, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया? रीति कह रहे हैं जी मास्टर नी जी, चलो बहुत बढ़िया। अब बात कर लेते हैं जो मैंने बताया उसी पे। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है, यानी एक बैलेट पेपर दिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी वरीयता बतानी पड़ती है, जैसा बताया था 1, 2, 3 वरीयता बतानी पड़ती है। इस प्रकार मतदाता उम्मीदवारों को उतनी वरीयता दे सकते हैं जितने उम्मीदवार खड़े हों। स्वाभाविक सी बात है भाई, 3 लोग खड़े होंगे तो 3 वरीयता देंगे, 4 लोग खड़े होंगे तो 1, 2, 3, 4 वरीयता देंगे। पहले चरण में प्रथम वरीयता के मतों की गणना होती है। जो पहला चरण होता है उसमें केवल ये देखा जाता है कि प्रथम वरीयता किस किस को कितनी कितनी मिली है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, 50% प्लस वन प्राप्त कर लेता है, तो वो विजयी घोषित हो जाता है। अन्यथा मतों के स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। और स्थानांतरण कैसे होगा मतों का, ये मैं बिल्कुल डिटेल से समझा चुकी हूँ कि किस तरीके से मतों का स्थानांतरण होगा। और उस स्थानांतरण के बाद जिसको 50% प्लस वन प्राप्त हो जाते हैं वो विजयी घोषित हो जाता है ना। तो ध्यान रखिएगा, निर्वाचन प्रक्रिया यदि मैं देखूं तो प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत, जैसा कि मैंने बताया था कि प्रथम वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है, तथा इसके द्वितीय वरीयता के जो मत हैं वो अन्य उम्मीदवारों के प्रथम वरीयता के मतों में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। मैंने जैसे बताया ना कि 2 बच गए भाई, 2 पेटी बच गई, एक ए की पेटी बच गई, एक बी की पेटी बच गई, है ना। बॉक्स मान लो, देसी भाषा में नहीं समझना चाहते तो बॉक्स को हरियाणवी में पेटी भी बोल देते हैं, है ना। बहू दहेज में पेटी भी लेके आई है भाई, पेटी का पेटी का मतलब होता है संदूक, और यहाँ पे हम बॉक्स मान लेते हैं। एनीवे, अब जो सेकंड वरीयता के मत थे, इसका है तो इसमें, इसका है तो इसमें, ऐसे ही डालते जाएंगे, और जिसको 50% प्लस वन मत प्राप्त हो जाएंगे। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित मत नहीं प्राप्त कर लेता। हमारा हो गया चुनाव कंप्लीट। अगर इस पूरी की पूरी चुनाव प्रक्रिया में मैंने आप लोगों को पूरा MLA का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, MP का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया कैसे होगी, कैसे मतों का स्थानांतरण करेंगे, ये सारी चीजें बता दी। और फाइनली जब तक ये स्थानांतरण करते रहेंगे, जब तक किसी व्यक्ति को, एक व्यक्ति को 50% प्लस वन कोटा प्राप्त नहीं हो जाता है, और जैसे ही ये कोटा प्राप्त हो जाएगा
खेल खत्म, राष्ट्रपति जी चुन लिए जाते हैं। यहां तक बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हो एसबी मैम, अगर पहले नंबर ने 50% 1 मिला के उसका कोटा पूरा हुआ है तो दूसरा 50+2 मिला है? अरे भाई एसबी कहां, बिल्कुल मेरी तरह हो क्या जो मैथ्स में एकदम जीरो होता है? एक बात बताओ, अगर एक को 50% + 1 मिल गया, 50% + 1 का मतलब समझते हो, टोटल 100 वोट है, तो एक व्यक्ति जिसे जीतना है ना उसे 50+1 यानी 50% + 1 यानी 51 मत प्राप्त करने होंगे। तो भाई साहब एसबी साहब, जब एक व्यक्ति को 51 मत प्राप्त हो गए तो बचे कितने? 49 मत, 49 मत बच गए ना, तो दूसरे व्यक्ति को 50% + 2 प्राप्त हो कैसे सकते हैं बताओ? पुष्पेंद्र कह रहा है एसबी बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हो, मान गए आपके मैथ्स की जो है ना, मैं समझ अब मतलब मेरा ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पता है कैसे मेरा कॉन्फिडेंस मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ता है कि मैं ही जीरो नहीं हूं मैथ्स में, है ना, मेरे जैसे और भी हजारों बच्चे हैं, है ना, जो मैथ्स को देख के घबरा जाते हैं और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं। चले आगे चले, अब बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हो, ऐसा होता है कि क्या प्रथम मत, प्रथम में जो लोग आपस में टक्कर में होते हैं उन दोनों के बाद और किसी का मत फिर काउंट नहीं होता? नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं काउंट होएगा? यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि जो दो लोग टक्कर में है उन्हीं के मत काउंट होएंगे, ऐसा नहीं है बच्चे। मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उससे आप एक बार कोरिलेट करके और एक बार बैठ के सोचना अपने दिमाग में, फिर कभी दिक्कत नहीं होगी। चलो नेक्स्ट पे हम चलते, नेक्स्ट बात, राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेते हैं। भाई सिंपल सी बात है, पद ग्रहण करने से पहले ही शपथ लेंगे और अपनी शपथ में क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगा, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं कि संविधान का और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आप लोगों से पूछ लेगा कि भाई राष्ट्रपति संविधान के परिरक्षण की शपथ लेते हैं, तो बिल्कुल सही बात है जी, शपथ लेते हैं। इनको शपथ दिलाता कौन है? तो याद रखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हमारे CJI हैं वो शपथ दिलाएंगे, और यदि CJI नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अनुपस्थित है, तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। PT लिख लेना, अभी तो बहुत आसान लग रहा है, समझ गए मेरी बात को, क्यों आसान लग रहा है? यदि आपसे 3-4 स्टेटमेंट बढ़िया पूछ ले कि भाई MLA का मत मूल्य ऐसे निकाला जाता है, MP का मत मूल्य ऐसे निकाला जाता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राष्ट्रपति को उसके पद की शपथ उपराष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, यहाँ पे मजाक लग रहा है लेकिन वहां पे ना पंखे फेल हो जाते हैं, वहां पे दिमाग ना झनझना जाता है कि यार क्या था, उपराष्ट्रपति था कि कौन था। छोटी छोटी चीजों में हमको अपने कंसेप्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है ताकि PT में इन फर्जी फर्जी बातों में हम कंफ्यूज ना हो, है ना। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के CJI दिलाते हैं, और यदि CJI नहीं है तो फिर क्या होते हैं, फिर कौन दिलाएंगे? CJI नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखना। शपथ हो गई भाई, ठीक है जी, राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, शपथ ले ली राष्ट्रपति जी ने। अब बात कर लेते हैं निर्वाचन से संबंधित विवादों का क्या सीन है। मान लो निर्वाचन से संबंधित यदि कोई विवाद हो जाए तो याद रखिएगा आर्टिकल 71 में साफ तौर पे प्रोविजन किया गया है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच और निर्णय भारत के उच्चतम न्यायालय, PT लिख लेना, भारत के उच्चतम न्यायालय, अन्य न्यायालयों का इस पे कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का ही अधिकार है, विशिष्ट अधिकार है राष्ट्रपति के विवादों से संबंधित मुद्दों की जांच करना। आप लोगों को स्टेटमेंट दी जा सकती है कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ कुछ मामलों में हाई कोर्ट को भी है,
तो बालक और बालिकाओं, कुछ ज्यादा हिंदी नहीं हो गई, आप लोग अभी बहुत लग रहा होगा कि अरे कर लेंगे, कर लोगे, वो एक अच्छी बात है, लेकिन बच्चे ध्यान रखना, एग्जाम हॉल में छोटे छोटे बिंदुओं पे कंफ्यूजन होता है जो हमें परीक्षा से बाहर कर देता है। तो अपने कंसेप्ट को ध्यान रखना, बिल्कुल मजबूत बनाना है। केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र होता है राष्ट्रपति से संबंधित मुद्दों की जांच करना। इसके अलावा चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। यहां पे भी लिख लेना पीटी, क्योंकि ये क्लास है पीटी स्पेशल, दे देगा कि यदि चुनाव निर्वाचक मंडल अपूर्ण है तो राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि राष्ट्रमंडल अपूर्ण था भाई और आपने फिर भी चुनाव करवा लिया। साफ साफ लिख दिया गया है। मान लो किसी राज्य में सरकार हिली हुई है, सरकार है ही नहीं वहां पे, मान लो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है या फिर चुनाव होने हैं, मतलब मान लो ऐसी सिचुएशन है कि वहां एमएलए अभी है ही नहीं, निर्वाचक मंडल अपूर्ण था, तो इस आधार पे कभी भी राष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती नहीं दी जाएगी कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट बात, पीटी पहले ही लिखवा देती हूँ, लिख लेना भाई। बोल रहा है उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वाचन को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने यदि निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया कि देखो भाई गड़बड़ हुई है, हम इस निर्वाचन को अवैध घोषित करते हैं, ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया, तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पहले राष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं माने जाएंगे, प्रभावी बने रहेंगे, भले ही फर्जी तरीके से राष्ट्रपति बने थे। भाई फर्जी तरीके से ही बने थे ना, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई निर्वाचन अवैध है, लेकिन फिर भी डिसीजन से पहले जो भी कार्य राष्ट्रपति ने किए थे वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध माने जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ पे अक्सर हम धोखा खा जाते हैं। सीधा सीधा स्टेटमेंट दे देगा कि यदि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा पहले किए गए सारे कार्य अवैध घोषित हो जाएंगे। तो हमें लगेगा कि भाई बात भी सही है, निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया तो कार्य भी अवैध घोषित हो जाएंगे, लेकिन याद रखना ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि निर्णय से पहले जो भी कार्य किए गए हैं वो अवैध नहीं माने जाएंगे। समझ में आ गया, कार्य अवैध होंगे, बिल्कुल सही बात है। सलमान, और कोई बच्चा क्या बोल रहे बच्चे? विशाल, थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच। मैम यू राष्ट्रपति फिटनेस कह रहे हैं, मैम यू राष्ट्रपति कमावे कितनो है, राजस्थान से है ऋतिक, पता लग गया। एनीवे 5 लाख के आसपास सैलरी होती है, एक बार देख लेना, अभी बड़ी घटी तो नहीं है लेकिन 5 लाख के आसपास सैलरी होती है हर महीने। 5 लाख सैलरी का तो बहुत ही कम है यार, मतलब सैलरी तो 5 लाख बहुत ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा तो मतलब बहुत लोग कमा लेते हैं, लेकिन आवास देखा है राष्ट्रपति जी का, आवास, सारी सुविधाएं, ये सब फ्री में ही होती है ना। सपना देखो बड़ा, हो सकता है भविष्य के राष्ट्रपति आप में से कोई बैठा हो, मेरा लेक्चर सुन रहा हो, पॉसिबल है ना? क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भाई डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो आप लोग भी बन सकते हो। चलिए आगे, तो निर्वाचन से संबंधित विवाद, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि केवल सर्वोच्च न्यायालय ही विवाद सुनता है, निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने की स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती, और यदि अवैध घोषित हो जाता है निर्वाचन तो भी निर्णय से पहले किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए अन्य शर्तें क्या होती हैं, इनको भी देख लेते हैं भाई। हमने राष्ट्रपति जी का चुनाव भी कर दिया, शपथ भी दिलवा दी और निर्वाचन से संबंधित विवादों को भी हल कर दिया। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पद के लिए अन्य शर्तें क्या हैं। राष्ट्रपति को संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी इसका मतलब इसका सीधा तात्पर्य यहां से पढ़ो, सीधी सी बात है, यदि कोई ऐसा सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में
पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है कि यदि कोई एमपी या एमएलए राष्ट्रपति बन जाता है तो वो दोनों पदों पे एक साथ तो नहीं रह सकता। तो जिस दिन वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है उस दिन ये समझा जाएगा कि उसने, मतलब उस व्यक्ति ने एमपी पद से या एमएलए पद से अपना त्याग पत्र दे दिया है, अपना पद रिक्त कर दिया है, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रपति कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। भाई मैं पहले ही बता चुकी हूं, राष्ट्रपति बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों का, निवासों तो क्या है, निवास के उपयोग का हकदार होगा। अपना जो विशाल घर है, मतलब जो आवास है, उस घर में राष्ट्रपति जी बिना किराया दिए रहेंगे। राष्ट्रपति की परिलब्धियां और भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये सारी चीजें आप लोगों को देख लेनी है, जो शर्तें हैं कि भाई कोई एमपी एमएलए यदि राष्ट्रपति, स्वाभाविक सी बात है, इनमें रटना नहीं होता है, ये तो सिंपल थॉट प्रोसेस होना चाहिए कि भाई राष्ट्रपति बन गए तो वो पद खाली करने पड़ेंगे, लाभ का पद धारण नहीं करेंगे, है ना, आवास में रहेंगे। अब 5 वर्षीय कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव करवा लेना आवश्यक होता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष होता है। तो एक कंडीशन होती है कि जो नए राष्ट्रपति होंगे उनका चुनाव 5 वर्ष से, मतलब दूसरे वाले के 5 वर्ष से पहले ही करवाना होता है। यदि चुनाव में किस कारण से कोई देरी हो गई, मान लो कोई रीजन ऐसा हो गया कि भाई चुनाव में देरी हो गई, तो जो वर्तमान राष्ट्रपति होंगे वो अपने पद पे बने रहेंगे तब तक कि उनका उत्तराधिकारी कार्य भार ग्रहण ना कर, ठीक है। यानी 5 वर्ष कार्यकाल होता है, चुनाव 5 वर्ष से पहले ही होने चाहिए, और यदि चुनाव में किसी कारणवश देरी हो गई तो जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो तब तक अपना पद भार ग्रहण करेंगे, मतलब अपना पद ग्रहण किए रहेंगे जब तक कि उनका उत्तराधिकारी ना आ जाए। यदि उनकी मृत्यु, त्याग पत्र, महाभियोग द्वारा उन्हें पद से हटाने पर अस्वस्थता या भारत में अनुपस्थित, मान लो बहुत सारे रीजन है ना, भगवान ना करे किसी कारण किसी राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या त्याग पत्र दे दे राष्ट्रपति, या महाभियोग के माध्यम से हटा दे, या फिर वो अन्य किसी कारण से अनुपस्थित है, तो मैं कल बता चुकी हूँ उपराष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता रहेगा, है ना। और आपको पता है साफ साफ संविधान में लिखा है यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो कितने महीने के अंदर चुनाव होना जरूरी होता है, कौन बताएगा, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर, क्या लिखा है संविधान में, क्या बोल रहे हो राखी मैम, जब प्रेसिडेंट अपने पद से हटा दिया जाएगा तब उन्हें तो जो आवास मिला है उसे छोड़ना, बिल्कुल भाई बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा भाई, बिल्कुल सही बात है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाने जरूरी होते हैं। ये रहा, चुनाव पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने के भीतर हो जाना चाहिए, और इस 6 महीने में भी राष्ट्रपति की कुर्सी खाली नहीं रहेगी, उस राष्ट्रपति की कुर्सी पे उनकी अनुपस्थिति में कौन पद पे बैठेंगे, उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पे काम करेंगे, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सीजेआई, और सीजेआई भी नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश। ये क्रम याद रखना, पीटी में यहां से क्वेश्चन बनता है। यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो ये मैं बता चुकी हूँ भारत के मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो वरिष्ठतम न्यायाधीश, ठीक है। यहां तक किसी भी बच्चे को भाई कोई भी दिक्कत हो तो कृपया करके मुझसे पूछ ले, मतलब रत्ती भर भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और एक बात ध्यान रखना, मेरी क्लास करने के बाद जो आप छोटी छोटी चीजों में कंफ्यूज हो जाते हो ना एग्जाम में, मुझे पता है यार, मैंने झेला है, मैंने भी गलतियां की हैं अपनी लाइफ में, है ना, एग्जाम हॉल में छोटी छोटी चीजों को लेके कंफ्यूजन होता था। मैं आपको बताती हूँ, एक बार 2013 या 14 की बात है, आईएएस का पीटी दे रही थी, 13 या 14 के आसपास एक क्वेश्चन आया था शपथ के ऊपर ही, कि इसको ये शपथ दिलाता है, इसको ये शपथ दिलाता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं 5 मिनट पागल रही थी, मतलब अपना माथा पीट रही थी, कौन दिलाता है कौन दिलाता है, इतना कंफ्यूजन होता है एग्जाम हॉल में, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना तो छोटी छोटी चीजों को लेके ऐसा कंफ्यूजन होता है कि क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल हाय, है ना। तो ध्यान रखना, इसलिए उन मुद्दों पे गौर करके पढ़ना है जहां कंफ्यूजन हो सकता है हमको एग्जाम में। जैसे मैंने आपको ये 3 मुद्दे बताए, तीनों में जबरदस्त कंफ्यूजन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, आपको सीधा सीधा दे देगा, तीसरा पॉइंट
यदि निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया तो राष्ट्रपति द्वारा किए गए सारे कार्य अवैध हो जाएंगे, लगेगा सही करके आए हैं लेकिन कर दिया कांड। समझ गए मेरी बात? तो इन मुद्दों पे अच्छे से ध्यान देना। चलो क्या बोल रहे हो मैम, मैंने कॉल किया था, आपने कॉल पिक नहीं किया। कॉल करना ठीक है करण, कॉल करना बच्चे, शाम में करना 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास मैं फोन अपने पास रखूंगी। क्या बोल रहे हो संदीप, मैम प्रेसिडेंट इलेक्ट्रोल कुछ नहीं है संदीप, वो मैं एक बार फिर से क्लास अगर सुन लोगे ना बच्चे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। बेल एक बार और देख लो, 1 मिनट का समय अगर है तो संदीप ने बोला है तो भाई मैं बता देती हूँ। मान लीजिए सबके पास बैलेट पेपर है, इन बैलेट पेपर पे आपको अपनी वरीयताएं देनी है, भाई पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, पहली दूसरी तीसरी, 3 पेटियां हैं मिस्टर ए मिस्टर बी, और मान लो ये ए की है, ये बी की है, ये सी की है। पहली बारी में प्रथम वरीयता गिनी जाती है, प्रथम वरीयता मान लो ए को मिल गए इतने वोट, बी को मिल गए इतने वोट, सी को मिल गए इतने वोट, किसी को भी यदि पहली ही बारी में 51% मिल जाएंगे तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। यदि 51 नहीं मिले हैं तो जिसको सबसे कम मिले हैं उसके वोट हो जाएंगे कैंसिल, इसे करो बाहर। अब इसकी पेटी में से सारे मत पत्र निकालो और ये देखो कि इस दूसरी वरीयता किसने किस किस को दी है। अब मान लीजिए इसने दूसरी वरीयता दी इसको तो इसमें शामिल हो जाएगा, इसने दूसरी वरीयता दी इसको तो इसमें शामिल हो जाएगा, फिर इसने दूसरी वरीयता इसको दी तो फिर इसमें शामिल हो जाएगा। इस तरीके से ये मतगणना चलती रहेगी और जब एक व्यक्ति को 50%+1 प्राप्त हो जाएंगे तो वो विजयी घोषित हो जाएगा। मैंने फिर से समझा दिया, होप आपको अब समझ में आ गया है ना। अब बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट, महाभियोग। सबसे पहली बात तो आपको यही याद रखना है कि महाभियोग का जिक्र किस अनुच्छेद में है। याद रखना, कई बच्चे मेरे से पूछते हैं मैम अनुच्छेद याद नहीं होते। बच्चे अनुच्छेद ऐसे याद नहीं होते, अनुच्छेद जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना तब आप धीरे 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 याद होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज तो भाई साहब सुबह सुबह 80 बादाम खा लिए, दिमाग को कर लिया तेज और बेयर एक्ट उठा लिया, आज सारे जो आर्टिकल है एकदम घोट के मानूंगा। हरियाणा में मतलब घोट दिया भाई कति है ना, घोट के मानूंगा मतलब एकदम याद करके मानूंगा, तो पता लगे आप ही घुट जाओगे। ऐसे आर्टिकल्स याद नहीं होते, आर्टिकल्स जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो ना, जैसे मैंने राष्ट्रपति जो पढ़ाए आपको, आर्टिकल 52 बताया, 53 बताया, 58 बताया, 60 शपथ बताई, 61 इम्पीचमेंट बता दिया, ऐसे ही आर्टिकल याद होते है ना, ध्यान रखना। अब बात करते हैं महाभियोग। पहली बात तो महाभियोग संसद में संपन्न होने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रोसेस है, संसद में संपन्न होती है, अर्ध न्यायिक प्रोसेस है। दूसरी बात, संविधान का अतिक्रमण करने पर उसके पद से महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीटी लिख लेना। दे देगा राष्ट्रपति को कदाचार के कारण महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है संविधान के अनुसार। तो याद रखना, संविधान में कदाचार या किसी भी अन्य चीज का जिक्र नहीं है, केवल एक शब्द लिखा है, संविधान का अतिक्रमण, यानी राष्ट्रपति जी को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही महाभियोग लगाया जा सकता है, पहली बात। हालांकि दूसरी बात, संविधान का अतिक्रमण वाक्यांश के अर्थ को परिभाषित नहीं किया है, यहाँ पे भी पीटी लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। आपको दे देगा भारत के राष्ट्रपति, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पे हटाया जा सकता है और आर्टिकल 21 में संविधान के अतिक्रमण को भली भांति परिभाषित किया गया है। अभी नहीं समझ में आएगा, बहुत कंफ्यूज होते हो ऐसे ऐसे मुद्दों पे। तो क्या मैंने ये सही बोला कि गलत? तंशिका भी आ रही हूं अर्ध न्यायिक पे, गलत बात, बिल्कुल गलत बोला। कहीं पे भी पूरे के पूरे संविधान में इस संविधान के अतिक्रमण शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। अगली बात, राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान के अतिक्रमण का आरोप संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, पीटी लिख लेना, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपको क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रपति के ऊपर ये पता है कैसे उलझाएगा, राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए लोकसभा का सदस्य होने की योग्यताएं होना जरूरी होता है, इसलिए
राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत शुरुआत केवल लोकसभा में हो सकती है, गलत हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में या तो लोकसभा में या राज्यसभा में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। समझ में आ गया? यानी राष्ट्रपति के विरुद्ध संविधान का अतिक्रमण करने का जो आरोप है वो संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। एक सदन द्वारा इस प्रकार का आरोप लगाए जाने पर दूसरा सदन उस आरोप का अन्वेषण करेगा। देखो प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस ये होती है, मान लीजिए राज्यसभा ने आरोप लगा दिया, राज्यसभा ने क्या किया भाई, आरोप लगा दिया संविधान के अतिक्रमण का। तो जब राज्यसभा ने आरोप लगा दिया तो लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा में उस आरोप की जांच की जाएगी, अन्वेषण मतलब जांच करवाने के लिए एक समिति बनेगी और जांच की जाएगी कि क्या वास्तव में अतिक्रमण हुआ है। ठीक, यहां तक समझे, अभी पूरी प्रोसेस बताऊंगी। और यदि लोकसभा में शुरुआत हुई है तो फिर राज्यसभा जांच करेगी। नेक्स्ट क्या होगा, संकल्प को प्रस्तावित करने की सूचना पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक चौथाई सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए। मान लो जिस भी सदन में ऐसा प्रस्ताव लाया जा रहा है, मान लो राज्यसभा में लाया जा रहा है, तो राज्यसभा के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ऐसे प्रस्ताव पे। यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो लोकसभा के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए ऐसे प्रस्ताव पे। यानी एक चौथाई सदस्य कम से कम सहमत होने चाहिए कि देखो भाई कुछ ना कुछ तो बात हुई है, अतिक्रमण तो हुआ है, महाभियोग तो लगना चाहिए। ये नहीं है कि एक आदमी आए, मतलब एक सदस्य आएगा और कहेगा राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पूर्व कंडीशन है ये, पहली कंडीशन ये है कि एक चौथाई सदस्य कम से कम हस्ताक्षर करेंगे ऐसे प्रस्ताव पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस हेतु 14 दिनों की अग्रिम सूचना देना आवश्यक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेगा कि राष्ट्रपति महोदय जी ऐसा है, आपके ऊपर इस तरीके का हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है, महाभियोग की प्रोसेस शुरू हो रही है आपके ऊपर। ठीक, संकल्प उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। टोटल ससदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, यानी मान लीजिए टोटल सदस्य संख्या है फॉर एग्जाम्पल 300, इसका 2/3 बहुमत कितना हो जाएगा, समझ में आया, 200। यानी 200 लोगों के द्वारा, यदि 300 है तो फिर आप अपने हिसाब से निकाल लो, बस इतना याद रखना है कुल सदस्य संख्या के, टोटल के, उपस्थित और मतदान देने वालों के नहीं, टोटल के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। और राष्ट्रपति को जब जांच होगी ना तो उपस्थित होने का और अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। अब एक बार ध्यान से सुनिए, मान लीजिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाना है तो सबसे पहले क्या होगा, एक चौथाई सदस्यों को उस पर हस्ताक्षर करने होंगे कि हाँ भाई महाभियोग लगना चाहिए। फिर 14 दिन पहले उनको सूचना देनी होगी राष्ट्रपति जी को कि देखो जी हम आपके ऊपर महाभियोग ला रहे हैं, ठीक है जी। दूसरा, राज्यसभा के टोटल सदस्यों के 2/3 से पारित होना चाहिए, उसके बाद फिर वो जाएगा लोकसभा में, यानी राज्यसभा का काम खत्म। राज्यसभा ने शुरुआत की 1/4 सदस्यों की सहमति से, अब 14 दिन पहले बता के, और टोटल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया, उसके बाद भेज दिया लोकसभा में। अब लोकसभा क्या करेगी, उसकी जांच करवाएगी, एक कमेटी बनाएगी, जांच करवाएगी। उस कमेटी में राष्ट्रपति जी को भाग लेने की का अधिकार होता है, अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है कि देखो जी मैंने ये नहीं किया या ये किया, जो भी उनका पक्ष है वो रखने का उनको पूरा का पूरा अधिकार होता है, अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होता है। सदन जो है, मतलब लोकसभा, जो जांच का काम किसी न्यायालय या अधिकरण को प्रत्यायोजित कर सकता है, ये सदन का काम है कि वो किसी न्यायालय को ये काम दे दे, न्यायाधीशों के माध्यम से कमेटी बना दे या किसी अधिकरण को दे दे। यदि अन्वेषण यानी जांच के पश्चात सदन यानी लोकसभा, क्योंकि राज्यसभा तो ऑलरेडी पास कर चुका है, मेरी बात पे गौर कीजिएगा, 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत मतलब कुल के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके यह घोषित कर देता है तो आरोप सिद्ध हो गया है, तो
तो ऐसे संकल्प का प्रभाव उसके पारित किए जाने की तिथि से, यानी जिस दिन वो संकल्प पारित करेगा दूसरा सदन, उस दिन से राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। भारत में एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और केवल राष्ट्रपति को, ध्यान रखना, पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये महाभियोग शब्द है ना, ये महाभियोग शब्द केवल आर्टिकल 61 में जिक्र है इसका, यानी केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है। अब आप कहोगे कि मैम न्यायाधीशों को हटाने के लिए भी तो महाभियोग, ध्यान रखना महाभियोग जैसी प्रक्रिया, महाभियोग शब्द का जिक्र नहीं है न्यायाधीशों को हटाने के लिए, केवल कहां पे जिक्र है, क्या हो गया भाई लक्ष्मीकांत, तो सब कुछ लिखा है जो मैम पढ़ा रही हैं, शायद हम पहली बार पढ़ रहे हैं तभी दिक्कत हो रही है, क्या हो गया भाई, दिक्कत हो रही है क्या? मैं तो इतनी इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, इतने एग्जांपल दे दे के समझा रही हूँ, लक्ष्मीकांत के पीछे मत पढ़ो। देखो लक्ष्मीकांत, ये जो राष्ट्रपति का टॉपिक है या कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ पे मैंने कहीं दूसरी जगह से भी कंटेंट लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए, ताकि कई चीजें जो वहां पे छूट जाती हैं आपकी कंप्लीट हो जाए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसमें से आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा, ऐसा एक भी पॉइंट नहीं होगा जो लक्ष्मीकांत में एक्स्ट्रा दे दिया होगा और आपके एग्जाम में आ जाए, मेरी बात समझे? ठीक है, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और केवल राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग द्वारा, यानी इस महाभियोग का शब्द राष्ट्रपति के लिए ही किया गया है। अब मैं आगे आऊंगी, उससे पहले मुझे ये बात समझाओ, बताओ बिल्कुल फंडा एकदम क्लियर है, आपसे पूछे महाभियोग कैसे लगता है तो आप बताओगे देखो जी महाभियोग की शुरुआत दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हो सकती है, पहली कंडीशन, जिस सदन में शुरुआत हुई जी उस सदन के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, ठीक है जी, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना होनी चाहिए, ठीक है जी, उस सदन के टोटल सदस्य के 2/3 सदस्यों के द्वारा संकल्प पारित होना चाहिए, ठीक है जी, उसके बाद जाएगा जी दूसरे सदन में, दूसरा सदन करवाएगा जी जांच, और यदि जांच में ये साबित हो जाता है कि वास्तव में संविधान का अतिक्रमण किया है और दूसरा सदन भी टोटल के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर देता है तो राष्ट्रपति जी को पद से हटना पड़ेगा जी, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया अर्ध न्यायिक, अर्ध न्यायिक का मतलब ये भी होता है कि जिसमें जांच का काम भी करवाया जाए और मतलब एक दंड ना दिया जाए, मतलब हम केवल उनको पद से हटा रहे हैं, है ना, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया जांच का काम भी हो रहा है, जांच करवा रहा है, ऑल ओवर पूरा का पूरा महाभियोग समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के, अब महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं, यहां से पीटी का क्वेश्चन बनता है भाई, संसद के दोनों सदनों के नामांकित सदस्य जिन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लिया था लेकिन महाभियोग में भाग ले सकते हैं, याद रखिएगा, अभी मैं एक क्वेश्चन बोलूंगी उसके बाद बताना, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पौंडीचेरी के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये तीन बातें याद। अब मैं यदि आपसे ये कहूं कि जिन लोगों ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था उन सभी लोगों को राष्ट्रपति के महाभियोग में लेने का, महाभियोग में भाग लेने का भी अधिकार होता है, कथन सही होगा कि गलत होगा? जिन लोगों ने, क्या होगा, वेरी गुड, बिल्कुल गलत होगा, ध्यान रखिएगा, निर्वाचन में केवल निर्वाचित सदस्य थे संसद के, यहाँ पे मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, और राज्य विधानसभा के किसी भी सदस्य का, चाहे वो निर्वाचित हो मनोनीत हो, महाभियोग में कोई रोल नहीं होता, केवल निर्वाचक मंडल में रोल होता है, महाभियोग में कोई रोल नहीं होता, क्योंकि महाभियोग का कार्य केवल संसद के माध्यम से संपन्न किया जाता है आर्टिकल 61 के तहत, है ना, तो राज्य विधानसभा का कोई रोल नहीं होता। गलत इसलिए पूछती हूँ रामजपाल, ताकि एग्जाम में गलत ना करके आओ, होप आप मेरे उद्देश्य को समझते होंगे, है ना, मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना और इतना होता है कि एग्जाम में जो छोटे छोटे मुद्दों पे आप कंफ्यूज होते हो ना, वहां पे मेरी बातें याद आए आप, है ना, और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है,
इसके ऊपर एक क्लास और होएगी भाई। मैं ऑलमोस्ट आप लोगों को कंप्लीट करा चुकी हूँ राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कार्यकारी शक्तियां क्या है, विधायी शक्तियां क्या है, वित्तीय शक्तियां क्या है, न्यायिक शक्तियां क्या है, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। तो ये जब मैं आप लोगों को सारी शक्तियां अलग अलग बता दूंगी, विधायी क्या है ये। और याद रखिएगा मेंस में मैंने बहुत डिटेल से आप लोगों को करवाया था राज्यपाल और राष्ट्रपति की तुलना करके, और आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश भी बताऊंगी मैं आप लोगों को। इसमें एक क्लास और लंबी जाएगी, तो कल हमारा ये टॉपिक मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। और यदि थोड़ा सा भी बचा होएगा ना, कल तो संडे है, कल मैं कोई स्ट्रेटेजी वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए, या तो मेंस की रणनीति के ऊपर कि अभी 2 महीने और कैसे यूटिलाइज कर ले, है ना, या फिर पीटी की रणनीति के ऊपर। और जो हमारी मंडे को क्लास होगी, उसके बाद जो एक नेक्स्ट क्लास होगी उसमें राष्ट्रपति के एमसीक्यू बिल्कुल डिटेल से हम कर लेंगे। तो हमारा एक पूरा टॉपिक ऐसे कवर हो जाएगा कि उससे बाहर क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, या कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी या कोई भी पीसीएस, आपकी रेंज से बाहर नहीं होएगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो मैम, अन्य देशों की शासन, ये मेंस का टॉपिक है और ये संडे को होने वाला है आपके ऊपर, भारत के संविधानों की अन्य संविधानों से तुलना, जिसमें हम यूएसए के संविधान से, फ्रांस के संविधान से, इंग्लैंड के संविधान से, रशिया के संविधान से, जो मेन मेन कंट्रीज के संविधान से तुलना करके पढ़ेंगे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग किस अनुच्छेद में महाभियोग की प्रक्रिया का जिक्र है। आज का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत संपन्न होती है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए। गवर्नेंस का बैच भाई 7 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। ललिता दहिया अकेडमी ऐप को इंस्टॉल करके साइनअप कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। मात्र 1000 में आपका पूरा गवर्नेंस कंप्लीट हो रहा है। पॉलिटी का बैच आप परचेज कर सकते हैं मात्र 2100 रुपये में, और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस का जो बैच है मात्र 1625 रुपये में, बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस, आपका कुछ बचेगा नहीं इंटरनेशनल रिलेशंस में, आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ। बाकी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, बुझ गए, क्लास समझ में आ गई। जय हिंद, जय भारत।